नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश में दो घटनाओं में महिलाओं के हाथ काटे जाने के मामले सामने आए हैं। इसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया कि यह साधारण अपराध न होकर विश्वास की हत्या है। यह भयंकर अपराध है जिसके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने की कसम खाई गई। उन पर हमला करने और जान लेने का प्रयास घृणित और अति निंदनीय है। यह व्यवहार मध्ययुगीन बर्बरता की तरह है। वहीं उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले, इस संबंध में कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे अपराधों में सजा के वर्तमान प्रावधानों से अधिक सख्त सजा दिए जाने की आवश्यकता है। बड़ी सजा क्या हो सकती है, इस पे वर्कआउट करेंगे। दूसरी ऐसी घटनाएं रोकना तो जरूरी है, उसके लिए कड़ा कानून, लेकिन होती है अभी कि ऐसी बहनों के, क्योंकि हाथ ही कट गए तो फिर तो जीवन कट गया, काम करने के लायक भी नहीं रहे। तो ऐसी बहनों के लिए जिनका अंग भंग हो जाए, हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, पहली प्राथमिकता तो ये हो ही ना, उस पर भयंकरतम सजा। लेकिन अगर ऐसी घटना कोई घटती है तो एक वेलफेयर स्कीम उसके लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तीनों बहनों को देने का हमने फैसला किया है, लेकिन एक वेलफेयर स्कीम जिसमें उनकी ज़िंदगी ठीक से गुजर सके, उसको बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर सामान्य घरेलू हिंसा में भी संवेदनशीलता पुलिस के अंदर बढ़े। अभी कुछ मामले में FIR नहीं, DIR होती है, महिला बाल विकास के पास जाते हैं, लेकिन कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो गंभीरता से लेके प्रभावी कार्रवाई करें, मैं CM के पास चल दिया, इनको चिन्हित अपराधों में शामिल कर रहा हूं और हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे कि ऐसे मामले में कार्रवाइयाँ क्या हुई है। एक और भारत सरकार की ऊर्जा योजना जिसमें हमने तय किया कि 100 थानों में महिला डेस्क बनाएंगे। अभी 10 महिला थाने थे, अब सभी 52 जिलों में महिला थाना खोलने का फैसला भी हो चुका है, लेकिन 700 थानों में हम और महिला डेस्क बनाएंगे। या थाने का ये कमरा या कोई एक कॉर्नर आरक्षित होगा और एक महिला अधिकारी वहाँ पोस्ट करेंगे, पुलिस अधिकारी, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो जाए। मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने जब तक नहीं देखूंगा मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। पार्टी ने देखा होगा, जा रही होगी तो चुनाव आयोग देखे। आज 27 तारीख से सभी ने अभी इंदौर और उज्जैन संभाग में खरीदी प्रारंभ हुई है। खरीदी की सारी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का प्रयास हुआ है। किसान चिंता ना करें, उनका उत्पाद खरीदा जाएगा। और जो हमारा सिस्टम है, SMS करते हैं, अपना नंबर आने पर आप खरीदी केंद्र पे जो आपके लिए निर्धारित है आए। और मेरी फिर अपील है कि औने पौने दाम पे कोई ना बेचे, सुव्यवस्थित खरीदी होगी, किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिले, यह हमारा प्रयास। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।